morning everyone, I am Smriti Sinha in front of you and I am presenting this video on demand. Someone has told me to teach grammar for them. And if you find any mistake in my video, then please let me know in the comment section. So, let's start our video and our topic is preposition. So guys, हम लोग बहुत सुने हैं पहले से ही कि preposition होता क्या है. ठीक है, आपको ही पता होगा, शॉर्ट पता होगा आपको कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, क्योंकि हम लोग को क्लास 2-3 से बताया जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन आता है. ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डीपली पढ़ा प्रीपोजिशन के बारे में. लेकिन आज जो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे वो हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है और क्यों होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन का मीनिंग जानते हैं कि प्रीपोजिशन का मीनिंग होता क्या है. प्रीपोजिशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, प्री प्लस पोजिशन. प्रीपोजिशन जो होता है आपका वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है. पहला तो आपका होता है प्री एंड देन सेकेंड होता है पोजिशन. प्री मीन्स होता है बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेसिंग, यानी कि बिफोर प्लेसिंग. तो आपको यहां से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, बिफोर प्लेसिंग. बिफोर प्लेसिंग, ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ड से पहले हम अगर प्लेस करते हैं तो वो प्रीपोजिशन आता है. तो आइए हम उसका डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show its relation with some other words in the sentence. Preposition एक ऐसा word होता है जो कि हम noun और pronoun के पहले place करते हैं ताकि जो sentence होता है, हमारा पूरा जो sentence होता है उसमें जो other words होते हैं उनके साथ उसका एक अच्छा खासा relation निकल के आ जाए. ध्यान से सुनेंगे guys फिर से. A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in the sentence. किसी sentence में noun और pronoun के पहले हम preposition को word place करते हैं ताकि इससे हमारा जो दूसरा word है उस sentence में उसके साथ एक सीधा साधा relation निकल के आ जाए. Guys, इसका हम दूसरा example देखेंगे, sorry दूसरा definition देखेंगे. Words that show relation between two nouns are called preposition. वैसे शब्द जो कि दो नाउन्स के बीच में एक रिलेशन बताते हैं तो उन्हें हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. ध्यान से सुनेंगे. वैसे वर्ड जो दो नाउन के बीच में, दो संज्ञा के बीच में रिलेशन बताते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. वर्ड्स दैट शो रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. एग्जाम्पल देखते हैं. The boy ran around the field. लड़का फील्ड के, यानी लड़का मैदान के चारों तरफ दौड़ा. The boy ran around the field. लड़का मैदान के चारों तरफ दौड़ा. यहाँ पे जो around है वो हमारा preposition हुआ. ठीक है, and ये the boy and the field ये हमारा noun हुआ. The boy एंड द फील्ड ये हमारा नाउन हुआ और ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन. द बॉय रैन अराउंड द फील्ड. ठीक है, अगर हम अराउंड को हटा देते हैं, द बॉय रैन द फील्ड, लड़का मैदान दौड़ा, इसका क्या सेंस आया? कोई सेंस नहीं आया. और फिर जब हम अराउंड लगा करके करते हैं, द बॉय रैन अराउंड द फील्ड, लड़का मैदान के चारों तरफ दौड़ा. तो यहाँ पे आपको इससे क्या होता है, ये वाले डिफिनेशन से आपको समझ में आ गया कि हाँ, जो प्रीपोजिशन होता है उसको हम नाउन या प्रोनाउन के, यहाँ पे अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन के पहले भी हम रखेंगे तो एक अच्छा खासा सेंस देगा और हमारा जो दूसरा वर्ड है उसके साथ में वो रिलेशन भी शो करेगा. देन सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दो नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है. दो नाउन आपका, पहला नाउन हो गया द बॉय एंड द सेकेंड
सेकेंड नाउन इज द फील्ड. इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बता रहा है अराउंड, ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ. उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. अ बर्ड इज सिटिंग अपॉन द ट्री. अ बर्ड इज सिटिंग अपॉन द ट्री. यहाँ पे अपॉन जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है. ठीक है. एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ रही है. एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ रही है. तो यहाँ हमारा अ बर्ड एंड द ट्री, ये दोनों हमारा हो गया नाउन एंड अपॉन हो गया हमारा प्रीपोजिशन. अगर उसी तरह जैसे हम यहाँ पे अराउंड हटा करके देखे कोई सेंस नहीं आया, यहाँ पे हम अपॉन हटा करके देखते फिर देखते क्या सेंस आता है. अ बर्ड इज सिटिंग द ट्री. ठीक है. एक चिड़िया पेड़ बैठ रही है. एक चिड़िया पेड़ बैठ रही है. तो इसका कोई सेंस आया निकल के? नहीं आया. और जब हम अपॉन लगाते हैं, अ बर्ड इज सिटिंग अपॉन द ट्री, यानी कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठ रही है, तो इससे हमारा जो भी मीनिंग निकल के आता है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है. तो चलिए अब हम आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. तो चलिए अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है. ठीक है. हम लोग का जो प्रीपोजिशन होता है वो 5 टाइप्स में होता है. पहला सिंपल प्रीपोजिशन. सेकेंड डबल प्रीपोजिशन. थर्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन. फोर्थ होता है आपका पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन. एंड द लास्ट वन इज फ्रेजल प्रीपोजिशन. ये हमारा जो होता है वो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन होता है. सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, देन आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन, देन पार्टिसिपियल एंड लास्ट वन इज फ्रेजल प्रीपोजिशन. तो अब हम इन पांचों का डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये पांचों जो प्रीपोजिशन होते हैं वो होते क्या है और उनका यूज क्या होता है. तो आइए, पहला हमारा है सिंपल प्रीपोजिशन. तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा सिंपल से कि ये कैसा प्रीपोजिशन होता है. ठीक है. जो सिंपल प्रीपोजिशन हमारा होता है वो होता है इट इज अ सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन. इसमें जो हमारा होता है, जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे वो सिंगल वर्ड होता है. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेकर के चलते हैं. एग्जाम्पल में हमारा ऑन, इन, अबाउट, इनटू, एटसेट्रा. आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो हमारा सिंगल वर्ड में आते हैं. ठीक है. मतलब कि इससे हम ये जानेंगे कि जितने भी मतलब सिंगल वर्ड वाले होते हैं वो हमारे सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं. ऑन, इन, अबाउट, इनटू, ये अभी हम 4 लिखे हैं. बाकी इसके आगे और भी होते हैं और उन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि किसका कहाँ क्या यूज होता है. ठीक है. तो चलिए अब हम सेकंड देखते हैं, डबल प्रीपोजिशन. सो चलिए, हमने पहला देखा व्हाट इज सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन होता क्या है. और अब हम देखेंगे व्हाट इज डबल प्रीपोजिशन. डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे सिंपल प्रीपोजिशन से आपको समझ में आ गया था नेम से ही, वैसे ही मेरे को लग रहा है कि डबल से भी आपको नेम से समझ में आ गया कि डबल प्रीपोजिशन क्या होता है. तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है. समटाइम्स वी नीड मोर देन
प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस टू कन्वे द desired sense and are called double preposition. तो ये हमारा definition है. Sometimes we need more than one preposition in the sentence to convey the desired sense and are called डबल प्रीपोजिशन. मतलब कि कभी कभी हमें किसी सेंटेंस में एक कंप्लीट सेंस लाने के लिए एक प्रीपोजिशन से ज्यादा प्रीपोजिशन का यूज करना होता है. ठीक है, तो उसमें हम डबल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. एग्जांपल लेके चलते हैं हम. ही टूक आउट the book from among the lots. example लेके चलते हैं. he took out the book from among the lots. वो एक किताब निकाला बहुत सारी किताबों के बीच से. तो यहां पे देखिए हमारा जो फ्रॉम और एमोंग है ये हमारा डबल प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पे. अब कैसे कर रहा है हम एग्जांपल लेते हैं. ही टूक आउट द बुक फ्रॉम एमोंग द लॉट्स. बहुत सारी किताबों के बीच से वो एक किताब निकाला. ठीक है, अगर हम यहां से एमोंग हटा देते हैं देन उसके बाद हमारा क्या बचता है. ही टूक आउट द बुक फ्रॉम द लॉट्स मतलब कि बहुत सारी किताबों से वो एक किताब निकाला. तो ये तो हमारा कंप्लीट सेंस दे नहीं रहा सेंटेंस में. तो अगर हम यहाँ पे एमोंग लगाते हैं तो यानी कि वो बहुत सारी किताबों के बीच से एक किताब निकाला. तो ये हमारा कंप्लीट सेंस दिया. देन उसके बाद सेकंड अगर हम यहाँ से फ्रॉम हटाते हैं. ही टुक आउट द बुक एमोंग द लॉट्स वो किताबों के बीच एक किताब निकाला. किताबों के बीच एक किताब निकाला मतलब क्या किया क्या नहीं किया, इससे हमारा कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा. ये भी अगर हम फ्रॉम लगाते हैं तो ये हमारा कंप्लीट सेंस देगा. ही टूक आउट द बुक फ्रॉम एमोंग द लॉट्स. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की तरफ जो कि है कंपाउंड प्रीपोजिशन. तो चलिए अब हम देखते हैं. थर्ड वन इज कंपाउंड प्रीपोजिशन. से पहले हम देखे सिंपल प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन. अब देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन कंपाउंड मींस क्या होता है. कंपाउंड मींस होता है मिक्स. ठीक है, मिक्स्ड यानी कि वैसे प्रीपोजिशन जो कि मिक्सचर के थ्रू बनते हैं यानी दो वर्ड को मिला करके बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. दो प्रीपोजिशन को मिला करके. ठीक है, तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सम नाउन्स और adjectives and are compounded with some prepositions. compound preposition ऐसे preposition होते हैं जो कि कुछ नाउन और एडजेक्टिव को लेकर के बनते हैं. ठीक है, और उसके बाद वो जो होते हैं प्रीपोजिशन के साथ कंपाउंडेड होते हैं यानी कि प्रीपोजिशन के साथ मिक्स्ड होते हैं. कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स्ड.
तो वैसे प्रीपोजिशन जो कि कुछ प्रीपोजिशन के साथ मिल करके नाउन और एडजेक्टिव के साथ फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एग्जांपल हमारा हो गया इन प्लस टू इनटू विद प्लस इन विद इन विद प्लस आउट विदाउट बी प्लस फॉर बिफोर अप प्लस ऑन अपॉन। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमारे जो भी है यहाँ पे इन टू ये दोनों प्रीपोजिशन हो गए इन टू विद इन विद इन विद आउट विदाउट यानी कि एक प्रीपोजिशन दो प्रीपोजिशन ये दोनों मिल करके यहाँ पे एक तीसरे प्रीपोजिशन को बनाते हैं जो कि हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। तो उसी तरह इसका एग्जांपल है बी प्लस फोर बिफोर अप प्लस वन अपॉन और भी बहुत सारे एग्जांपल है गाइस हम सारा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ की तरफ पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो आइए अब हम इससे पहले सिंपल देखे डबल देखे और कंपाउंड देख चुके अब हम आगे देखते हैं हमारा चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है तो इसका हम डेफिनेशन देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन सम पार्टिसिपल्स हैव लॉस्ट their participial value sorry participial force and are regarded as prepositions as such they governs noun or pronoun। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता क्या है गाइस तो देखिए डिफिनेशन जो हमारा है सम पार्टिसिपल्स हैव लॉस्ट देयर पार्टिसिपल फोर्स एंड आर रिगार्डेड एज प्रीपोजिशंस एज सच दे गवर्न्स नाउन और प्रोनाउन। वैसे पार्टिसिपल जो कि अपना पार्टिसिपल फोर्स जो होता है वो खो देते हैं ठीक है और उन्हें हम प्रीपोजिशन के रूप में जानते हैं और वो हमारे नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करने में हेल्प करते हैं ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को हम कैसे जज करेंगे उसमें हम लोग हेल्प करते हैं ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देख के चलते हैं। एग्जांपल हमारा हो गया ड्यूरिंग कंसर्निंग considering pending etc ये जो हमारे हैं during concerning considering and pending और ये बहुत सारे होते हैं ये हमारे participle preposition होते हैं जो कि बहुत ही मतलब बहुत अच्छा participate करते हैं हमें noun और pronoun को govern करने में। तो अब हम अपना next देखेंगे last one हमारा phrasal preposition। तो हमारा जो आखिरी बच गया वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन ठीक है। फ्रेजल फ्रेजल का मतलब होता है
मुहावरे, ठीक है। मुहावरे वो होते हैं जो किसी वाक्य में आने के बाद एक अलग ही अर्थ दे दे, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से होते हैं कुछ कुछ फ्रेजल प्रिपोजिशन। तो आइए हम देखते हैं इनका डिफिनेशन क्या होता है। There are many phrasal preposition which come in any sentence and give a different meaning to that sentence। फ्रेजल प्रीपोजिशन वो होता है, देयर आर मैनी फ्रेजल प्रीपोजिशन, बहुत सारे फ्रेजल प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि किसी सेंटेंस में आ करके उस सेंटेंस को एक अलग ही मीनिंग दे दे, यानी कि उस सेंटेंस का एक अलग ही मतलब निकाल के आते हैं। एग्जाम्पल में हम लेकर के चलते हैं, पहला देखेंगे ही कुड नॉट कम टू कॉलेज बिकॉज ऑफ इलनेस। यहाँ पे हमारा बिकॉज ऑफ जो है वो हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन है। वो कॉलेज नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। बीमार होने की वजह से वो कॉलेज नहीं आ सका, इसका मतलब होता है के वजह से, ठीक है। हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ की जगह पे ड्यू टू भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है। कुछ और एग्जांपल लेकर के चलते हैं, इन स्पाइट ऑफ, रेयरली आप लोग इसका सुने होंगे, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के वजह से, इन अकाउंट ऑफ के मतलब होता है के कारण, इन कोर्स ऑफ का भी मतलब होता है के कारण, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रेजल प्रीपोजिशन की वजह से यूज होते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल एंड लास्ट फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो इसमें जितना मैंने लिखवाया कि कौन सा प्रीपोजिशन किस में आता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है, हम ये जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।